सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज किस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है किस तरीके से आप काइन मास्टर के अंदर वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो या उसका बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो और आप वहां पर अपना कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो या पीछे में आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो किस तरीके से ऐड कर सकते हो, यानी कि क्रोमा की कैसे आप यूज कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, मैंने आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया है और हम चलते हैं अपनी ट्यूटोरियल की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में। तो काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो को एडिट किया था, यानी कि मैंने एक वीडियो का बैकग्राउंड चेंज किया था। मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाया था। सो मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये वीडियो इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो ये एक रील्स वीडियो है और मैंने रील्स से डाउनलोड करके इसका बैकग्राउंड जो उसको चेंज किया, यानी कि रिमूव किया। और सिर्फ यहाँ पर ये एक वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं ये दूसरा वीडियो। सो इसको भी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि वाकई में ये एक रील्स वीडियो आप देख सकते हो। सो इसका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड इस टाइप का नहीं था। और ये और एक वीडियो है, इसको भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ से हम प्ले करते। सो इसको भी मैंने रील से डाउनलोड किया था। इन तीनों वीडियो को मैंने रील से डाउनलोड किया था और डाउनलोड करके मैंने काइन मास्टर के अंदर बैकग्राउंड चेंज किया। सो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, मैंने आपको दिखा दिया प्रीव्यू। अभी यहाँ से आपको सिंपली क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपना एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ से 9:16 को चूज करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से इमेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारा बैकग्राउंड देखने के लिए मिलेगा। इनमें से कोई भी बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड। तो मैंने ये रेड कलर का बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अभी राइट साइड के कॉर्नर पर क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। बैकग्राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन आपको बड़ा कर लेना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और ये पेन एंड जूम का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस पोजिशन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इक्वल के ऊपर। उसके बाद इसे कर देना है डन एंड देन आपको यहाँ से लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे। जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी वीडियो रखा हुआ है उस फोल्डर को सिंपली सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप अपना वीडियो को ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अपना वीडियो ऐड कर लिया। अभी आपको राइट साइड पे कुछ ऑप्शन आ रहा है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, क्रोमा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिंपली कर देना है इनेबल। उसके बाद ये आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड था ग्रीन स्क्रीन था वो ब्लैक हो चुका है। अभी आप चाहो तो यहाँ से इसके जो वैल्यू उसको अपने हिसाब से चार कर सकते हो, इन दोनों लाइन को आप चेंज कर सकते हो इनका सेटिंग। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो पर चेंज नहीं करूँगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। इसको सिंपली कर देते हैं डन। सो डन करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, इसको आपको बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। सो मैं इतना बड़ा रखूँगा बैकग्राउंड के हिसाब से। अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो वीडियो का जो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और अगर आप इस वीडियो के साथ कोई दूसरा वीडियो ऐड करना चाहते हो, यानी कि दूसरा वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, तो इस वीडियो के एंड पोजिशन पर आप आ जाएंगे। यहाँ से लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया ब्राउजर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो उसको आप ऐड कर लेंगे। तो मैं इस वीडियो को ऐड करता हूँ। सो ये आप देख सकते हो वीडियो आ चुका है। अगेन आपको आ जाना है क्रोमा की पर, इसको सिंपली कर देना इनेबल और यहाँ से आप चाहो तो सेटिंग को चेंज कर सकते हो। मैं इस वीडियो पर भी सेटिंग चेंज नहीं करूँगा, इसको कर दूँगा डन। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और इसको बड़ा करके पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से सेट कर लेना है एंड इसको भी प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड वो भी चेंज हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आप अपना वीडियो के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अपनी वीडियो को एडजस्टमेंट करना है। इसके लिए आप अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले ब्राइटनेस इंक्रीज करना है। सो ब्राइटनेस को मैं 10% रखूँगा। यहाँ से सेचुरेशन को यूज़ करना है अराउंड 15%। सो ब्राइटनेस
10% और कॉन्ट्रास्ट 15%, इसको कर देते हैं डन। सो अभी आप देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस टाइप से बन चुका है। यहाँ से आ जाना आपको अपनी दूसरा वीडियो पर। सो इसको भी हमें एडजस्टमेंट करना है। यहाँ से आ जाना आपको एडजस्टमेंट पर, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, उसके बाद सेचुरेशन को आपको इंक्रीज कर लेना है अराउंड 20%। सो इसको कर देते हैं डन। तो अभी हमारे वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। हमने बहुत ही आसानी से वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर लिया। यहाँ पर क्रोमा की ऑप्शन को यूज़ करके वीडियो का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है काइनमास्टर के अंदर, ठीक है। सो आप याद रखना इसका नाम है क्रोमा की। इसको इनेबल करने के बाद आपकी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और यहाँ से ये जो सेटिंग है इनको मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अपनी वीडियो के हिसाब से आप चेंज करके देख सकते हो। सो अभी हमें क्या करना है, अपनी वीडियो को सेव करना है अपनी गैलरी में। सो सेव करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से रेजोल्यूशन आप चूज़ करेंगे 1080p, फ्रेम रेट आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे 60 fps। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो डायरेक्टली आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया किस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर क्रोमा की यूज़ कर सकते हो, वीडियो का ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव कर सकते हो या वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।